तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। टॉपिक थोड़ा सा अलग है और शेयर से रिलेटेड ही है। टॉपिक थोड़ा ये है दोस्तों कि जिन लोगों की अर्निंग होती है, मान लो एक महीने में अर्निंग उनकी हो रही है 2000 रुपए, और चार दिन बाद जब उसको देखते हैं तो वही अर्निंग रह जाती है उनकी 1500 या 1600 रुपए, तो ये घटती क्यों है, आज का टॉपिक यही है दोस्तों। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे दोस्तों। और जो लोग हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं भाई, वो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाया करो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती ही नहीं है। तो भाई चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर रुकावट के। यहाँ तो देखो, अगर यहाँ पे बात करी जाए अर्निंग की, तो जैसे कि आपने एक महीने में या फिर मान लो आपने 2 हफ्ते में एक अर्निंग एक जनरेट की, वो जनरेट क्या किया आपने, मान लो आपने 700 या 800 रुपए कमाए एक हफ्ते में। अगर 700 या 800 रुपए आपने कमाए तो उस 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के पूरे दिन अंदर, यानी पर डे आपने दो तीन वीडियो डाली, जिस दो तीन वीडियोज में से किसी एक वीडियो का व्यूज जो है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं सिर्फ इसी टॉपिक को शेयर कर रहा हूं इसीलिए। तो देखो क्या है कि आपने एक हफ्ते में 7 वीडियो डाल दी। अब 7 वीडियो तो आपकी एक एक ही वीडियो हो गई, अब इस पे हो सकता है रैंक आए ना आए, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 2-3 वीडियो डालते हैं। तो इस हिसाब से एक हफ्ते में कितनी वीडियो होती है, 20 से 25 वीडियो एक हफ्ते में हो जाती हैं। तो उसका क्या सीन है भाई, देखो उसका ये सीन है कि एक दिन में अगर आप 4-5 वीडियो डालते हो तो उसमें से कोई एक वीडियो का व्यूज जो है वो अच्छे जनरेट हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप उस हिसाब से टैलेंट से काम करते हो उस पे। दूसरी चीज ये कि एक हफ्ते में अगर एक वीडियो उठ रही है तो 7 दिन में 7 वीडियो उठेंगी, और जैसा कि शेयर चैट पे बताया जाता है कि 7 वीडियो के अंदर, 7 दिनों के अंदर आपके 3 वीडियो ऐसी सिलेक्ट की जाएंगी जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, सबसे ज्यादा अर्निंग हो सकती है उसमें, और आपको उसी के हिसाब से एक पॉइंट्स रैंकिंग मिलेगी। तो भाई यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर ही फंडा है और यही समझने वाली बात है। अगर आपने 7 दिनों तक 4-5 वीडियो डाली है तो आगे भी आपको इसी तरह डालनी है। अब एक चीज यहां पर देखने वाली बात है, ये केस मेरे साथ 2 बार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये केस मेरे साथ 2 बार हो चुका है। मैंने 1500 रुपए कमाए थे, और 1500 रुपए कमाने के बाद जब मैं उसको 1500 रुपए, 2 हफ्ते में मेरे को 1500 रुपए उसमें अर्निंग दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको 2-4 दिन बाद देखा तो वो कितना रह जाता है, 921 रुपए, यानी कि पूरे 500-600 रुपए उसमें उड़ा जाता है। तो उसका रीजन भी सिर्फ ये है कि अगर शेयर चैट पर आप कंटिन्यूसली काम करोगे तो ही आपको शेयर चैट अर्निंग तक का आपको जो सोर्स है वो देगा, और अर्निंग जो है आपकी उसमें प्लस ऐड होती रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ख्याल में रखनी है, बहुत दिमाग तेजी से इसको देखना भी है। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ा मिस्टेक होती है जो आप हर एक बंदा करता है जो शेयर चैट यूज करता है। इस वक्त शेयर चैट पर आपने वीडियो बनाई, और उसके बाद क्या, आपने अगर आप 2-3 वीडियो आज बना दी, कल भी 2-3 वीडियो बना दी, परसों हो सकता है आपने 3-4 वीडियो बना दी, हो सकता है परसों आपने 4-5 वीडियो बना दी, लेकिन अगर आप वीडियोस की रैंक को बढ़ा रहे हो तो घटाओ मत। यानी कि अगर आपने 4-5 वीडियो एक टाइम में बनाई एक हफ्ते के अंदर, पहले आपने 2-3 बना रहे थे, उसके बाद आपने 4-5 बनाई, फिर उसके बाद 5-6 बनाई, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं करना कि आपने पहले 1-2 बनाई थी, फिर 4-5, फिर 5-6, फिर एक ही बनाई। तो उस वजह से भी रैंक का बहुत बड़ा ख्याल रखो, उस वजह से भी आपका स्कोर गिरता है। स्कोर गिरेगा तो आपका पॉइंट भी गिरेंगे, पॉइंट गिरेंगे तो आपकी अर्निंग भी जाहिर सी बात है गिरेगी। यहां तक ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे लगता है मेरा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। आज का पूरा सेशन यहाँ खत्म हो जाता है मेरा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय।